बच्चों आज है हमारा लेक्चर 121 और हम कर रहे हैं चैप्टर हिस्ट्री का जिसका नाम है ट्राइबल्स डीकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ठीक है, सो हम इसका पहले एक टॉपिक मतलब एक लेक्चर कर चुके हैं इस हिस्ट्री के चैप्टर का, अब हम ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम विद द ट्रेड, अब ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या थी? सो 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने देखा कि जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं वो फॉरेस्ट में जल्दी जल्दी आ रहे हैं और वहाँ आके उनसे चीज़ें ले जाते हैं, थोड़ा सा लोन देते हैं और फिर उनको बोलते हैं लोन के बदले काम करो। ट्राइबल ग्रुप्स को समझ ही नहीं आता था ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर आप केस देखो सिल्क ग्रोवर्स का, जो सिल्क उगाते हैं उन ट्राइबल ग्रुप्स का देखो, तो इंडियन सिल्क जो थी उस टाइम यूरोपियन मार्केट्स में बहुत डिमांड में थी। जो क्वालिटी थी सिल्क की वो इतनी अच्छी थी कि उनको मतलब बाहर के मार्केट्स में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब एनकरेज किया सिल्क प्रोडक्शन। आज हजारीबाग उस टाइम जो आज झारखंड है वहां पे संथल करके जाती रहती थी वो कुकुन बनाती थी। ठीक है, मतलब कुकुन क्या होता है सिल्क वॉर्म के लिए। तो हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज इन एरिया वेयर सांथल्स रियट कुकुन्स। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल इन कलेक्टेड कुकुन्स। अब क्या करते थे ट्रेडर्स, अपने एजेंट भेजा करते थे इनके पास और ये एजेंट क्या करते थे, इनको 3-4 रुपए में दे के हजार हजार कुकुन्स ले जाते थे और फिर ये कहाँ बेचते थे, ये जाके कहाँ बेचते थे इनसे कुकुन खरीद के। सो दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। फिर ये वाला कुकुन कहाँ जाके बिकता था, बर्दवान और गया में जाके बिकता था। फिर मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर्स। तो सबसे ज्यादा कौन फायदा उठाता था, वो बीच वाला जो इन लोगों से खरीदता था और आगे जाके बेचता था वो सारा फायदा खा जाता था और सामने इन ट्राइबल पीपल को कुछ मिलता ही नहीं था। ठीक है, सो इसीलिए मैनी ट्राइबल ग्रुप्स द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल, ये लोग बहुत कम कमा पाते थे और इसीलिए इनको मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। ठीक है, तो ये जो सिल्क ग्रोवर्स थे उनको बहुत कम कमाने मिलता था और इसलिए उनको ये लोग एनिमी लगते थे। ठीक है, इनसे भी ये सांथाल ग्रुप था, ट्राइबल आदिवासी ग्रुप, इनसे भी बुरी हालत है। पेज नंबर 47 पे इनसे भी बुरी हालत किनकी थी, उन मजदूर उन आदिवासियों की थी, ट्राइबल ग्रुप्स की थी जो काम की तलाश में दूर जाते थे। ये कहाँ उनको काम कहाँ मिलता था, सो टी प्लांटेशन। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड। सो ये ट्राइबल्स को रखा जाता था ताकि वो टी प्लांटेशंस में काम करें आसाम की और कोल माइंस ऑफ झारखंड की काम करें। ठीक है, सो वहाँ पे उनकी हालत बहुत खराब थी, बहुत कम पैसे दिए जाते थे और देखा जाता था कि ये भाग ना जाए। ठीक है, ये लोग छोड़ के भी काम भाग मतलब ना भाग पाए उसका भी ध्यान रखते थे। और 1920 में ये वर्कर्स टी प्लांटेशन और यहाँ कोल माइंस में काम करते करते 2000 लोग मर गए थे क्योंकि माइंस के अंदर इतना अंधेरा होता था और डार्क और सफोकेशन होता था कि उनका काम बहुत ज़्यादा रिस्की होता था, तो इस कारण 2000 ट्राइबल पीपल उस टाइम मर भी गए थे। फिर 19th और 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने रिबेल किया, मतलब अब वो आंदोलन पे उतरे, अब समझ गए कि हमारी हालत खराब हो चुकी है, तो उन्होंने रिबेल किया कि उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया कि आपने हमारी प्रैक्टिसेस बंद क्यों कराई हैं, आपने हम पे नए टैक्सेस क्यों डाले हैं और हमको सब एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं, हमारा शोषण क्यों हो रहा है।
ठीक है. सो थ्रू द 19th-20th सेंचुरी द ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट चेंजेस इन लॉज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिस न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. ठीक है. फिर अलग अलग जातियों ने अलग अलग टाइम पे रिबेल किया, मतलब थी सारी आदिवासी जातियाँ. सो द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32, सांथल रोज द रिवोल्ट इन 1855, बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910, द वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940, मूवमेंट दैट बिरसा लेड एज वन सच मूवमेंट. मतलब ये सारे मूवमेंट्स थे अलग अलग जातियों ने किए थे. जो कोल्स थे, कोल्स ने 1831-32, सांथल ने रिवोल्ट किया 1855, बास्तर रिबेलियन 1910 में हुआ और वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में 1940 में हुआ. ठीक है. फिर इसके बाद एक आगे बिरसा नाम आया था, तो वो बिरसा ने जो मूवमेंट का वो लीडर बना था वो उनमें से एक ही मूवमेंट था. ठीक है. सो इस तरह से अलग अलग जातियों ने अलग अलग आंदोलन किए. अभी बिरसा, अभी हमने पढ़ा कि बिरसा ने रिबेल किया, भाई बिरसा इनका लीडर बना. सो बिरसा कौन था? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा उसका पूरा नाम था. सो बिरसा मुंडा मिड 1870s में पैदा हुआ था और वो पुअर फैमिली से था. ठीक है. सन ऑफ अ पुअर फादर, ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा. कहाँ पैदा हुआ था? बोहंडा में पैदा हुआ था. ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा. वो क्या करता था? शीप ग्रेस करता था, फ्लूट बजाता और अखाड़े में डांस करता था जाके. पावर्टी की वजह से उसके फादर को एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था. जब वो छोटा था बिरसा, तो उसने कहानियां सुनी थी कि भाई कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी कैसे रिवोल्ट करती है. उसकी कम्युनिटी बातें करती थी कि कैसे गोल्डन एज आएगी और मुंडा, जो उसकी जाति थी, मुंडा फ्री हो जाएगी डीकूस से. तो तब उसने ऐसा मन में ठान लिया कि भाई अभी कुछ करना है. ठीक है. मिर्जा कहाँ, बिरसा कहाँ गया? बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल. वो लोकल स्कूल में गया और वहाँ पे जो मिशनरी सारे वो समझाते थे, वो सुनता था क्रिश्चियंस में. वहाँ पे भी उसने सोचा था कि भाई, वहाँ भी सुना उसने कि मुंडा चाहें तो वो उनकी जो, उनके जो हक चला गया है वो अपना हक वापस पा सकती है मुंडा जाति. ठीक है. तो मतलब क्रिश्चियंस क्या सिखाते थे, अगर ये मुंडा जाति क्रिश्चियन बन जाए और सारे बुरे काम छोड़ दे तो ये लोग क्या हो सकते हैं, ये लोग मतलब उनकी लाइफ सुधर सकती है. इसके बाद बिरसा क्रिश्चियंस के साथ रहने के बाद बिरसा ऑल्सो स्पेंट सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर. ही वोर द सेक्रेट थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड प्यूरिटी. फिर ये जो बिरसा मुंडा है ये कहाँ गया? फिर एक वैष्णव के पास गया, मतलब एक हिंदू के पास गया जो जनेऊ पहनता था. फिर थोड़ा टाइम उसकी भी कंपनी में रहा. मतलब बिरसा, देखो मिशनरीज के टच में आया बिरसा, वैष्णव के टच में, मतलब अच्छे अच्छे लोगों के टच में आया, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत रहा उसकी लाइफ में. तो उसका उद्देश्य क्या बन गया? हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी. अब वो चाह रहा था कि उसकी जो ट्राइबल सोसाइटी है, इसकी जो ये आदिवासी सोसाइटी है, उसमें कुछ चेंज लाए. वो अपनी उसकी जाति को समझाता था. ही अर्ज्ड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्करी. वो उनको समझाता था कि फालतू चीजों में, भाई सट्टों में और ये भूत प्रेत में और लिकर पीने, लिकर मतलब दारू पीने में, और इन सब बातों में ध्यान ना दें और विलेज को साफ सुथरा रखें. और फिर बिरसा ने वो भी बंद कर दिया,
वो मिशनरीज और हिंदुओं का आना भी बंद करा दिया, क्योंकि उसको लगा यही लोग मुंडा जाति को खराब कर रहे हैं। अब वो सबको कहता था कि हमारी जो पहले पहले जैसी लाइफ थी मुंडास की, 1895 में बिरसा ने सब लोगों को समझाया कि जैसे हमारा पहले लाइफ था, अभी हम वापस वही लाइफ पा लें। वो उन लोगों से सत्युग की बातें करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था। वो कहता था कि हम एक दूसरे को मारें नहीं, हम सच्चाई का रास्ता अपनाएं। वो कहता था हम वापस हमारे लैंड्स में काम करना चालू करें, फिर से फील्ड कल्टीवेशन चालू करें। मतलब बिरसा के ऊंचे विचार थे मुंडा जाति के लिए। अब ब्रिटिश मूवमेंट वरी हो गया, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज मनी लेंडर्स। बिरसा क्या करना चाहता था, जो भी बाहर के लोग थे सबको अपने गांव से भगा देना चाहता था। उसको लगता था ये लोग ही हमारी जाति को शोषित करने आते हैं। ठीक है, तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड, द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ मुंडा वॉज सफरिंग। मतलब पता लगा कि भाई मुंडास क्यों सफर कर रहे थे, क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट, ये सब को मतलब माना गया कारण। और जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसीज थी, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट लास्ट पेज, द लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल ट्रेड लैंड सिस्टम। मतलब जो ब्रिटिशर्स आए दिन नई नई पॉलिसीज लाते थे, उनकी वजह से भी उनका सारा डिस्ट्रॉय हो रहा था कल्चर। तो जैसे जैसे मतलब लोग अभी भड़के, अब लोगों को समझ आई मुंडा क्या सोच रहा है, उसकी बात समझ आई। ठीक है, सो जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे फैला, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिरसा हाथ से बाहर जा रहा था। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ रायटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, उसको पकड़ा गया और उसको दोषी पाया गया कि भाई तू दंगे करा रहा है, और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर बिरसा को छोड़ दिया गया 1897 में। फिर से वो विलेजेस में घूमता रहा ताकि लोगों को उसका सपोर्ट मिले। फिर वो उनको समझाता था कि हमको डीकूज और यूरोपियंस को हराना है, लोगों को समझाता था। मतलब फिर बिरसा के जो लोग थे, चाहने वाले थे, वो डीकूज को और यूरोपियंस को अटैक करने लगे, पुलिस स्टेशन, चर्चेस, इस तरह से। और वो कौन सा झंडा फहरवाता था अपना, सो दे रेस्ट द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। बिरसा की डेथ कैसे हुई, सो इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा। वो मर गया और ये मूवमेंट ऐसे ही अधूरा रह गया। ठीक है, पर ये जो इसने चालू किया बिरसा ने, मतलब थोड़ा एक मूवमेंट जैसा चालू किया, ठीक है, अच्छी चीजें जो डालना चाह रहा था अपने मुंडाज में, तो इससे 2 बातें हुई। ठीक है, सो द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वेज। 2 बातें हुई। पहली बात, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय द डीकूज। मतलब पहला नियम क्या लाई सरकार, पहला नियम जो सरकार लाई कि भाई ये लैंड डीकूज ना ले जाए। लैंड डीकूज कौन थे, आउटसाइडर थे। तो ब्रिटिशर्स तो ठीक, डीकूज भी इनका लैंड खा जाते थे, वो ना खा पाए। और दूसरा, इट शोड वंस अगेन द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। और इसके मूवमेंट ने ये भी दिखाया कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो अभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से अभी किसके रिवॉल्ट की शुरुआत हुई, ट्राइबल्स की। आपने आगे वाले चैप्टर में देखा फार्मर्स रिवॉल्ट करने लगे, यहाँ पे ट्राइबल्स। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ट्राइबल्स, टीकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। इसमें मतलब ट्राइबल्स ने कैसे विद्रोह किया, ये चैप्टर उसी पे ही है। ठीक है, सो लास्ट में हमने देखा एक बिरसा मुंडा करके वो हीरो आया ट्राइबल्स का, और उसने उनमें काफी मतलब पॉजिटिविटी लाई। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई चैप्टर हेयर ओनली, द चैप्टर एंड्स हेयर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, मेक प्रॉपर पॉइंट्स एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चले, थैंक यू।